हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वीक एसिड और वीक बेस ये दोनों को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया एंड वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम विथ कांस्टेंट अल्फा एटसेट्रा पीएच पीओएच ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके, आज हम पानी में सॉल्ट डालने जा रहे हैं। अभी जो सॉल्ट है उसके बहुत टाइप है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है पार्ट थ्री में सॉल्ट रिलेटेड वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी वर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट है दैट इज मोलारिटी। तो इसका मीनिंग हुआ कि सर सॉल्युबिलिटी मोलारिटी हो गई, कंसेंट्रेशन हो गया। बात तो सही है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आगे भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक क्लियर करवाया था कि सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सॉल्युबिलिटी मीन्स व्हाट? मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट डिसॉल्विंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस एक सिंपल मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूं, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये वेसल है और वेसल में मैंने 1 लीटर H2O ले लिया फिक्स, टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री। ओके, अब इसमें मैं कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब NaCl मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व भी हो गया 100%। ओके, तो उसकी मोलारिटी क्या हुई, कंसेंट्रेशन क्या हुआ, 1 मोलारिटी। सो 1 मोलारिटी है दैट इज कंसेंट्रेशन, क्लियर। उसके बाद मैंने और 1 मोल डाला तो टोटल कितना हो गया, 2 मोल, वो भी डिसॉल्व हो गया। तो मोलारिटी हो गई 2 मोलारिटी, दैट इज ऑल्सो कंसेंट्रेशन। एट विच टेम्परेचर 25। देखो मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। मैं चेंज क्या कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, NaCl है दैट इज अ सॉल्यूट। ओके, और मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया, चलो वो भी डिसॉल्व हो गया तो मोलारिटी हो गई 3। और मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया तो मोलारिटी हो गई 4, दैट इज ऑल्सो कंसेंट्रेशन। ओके, 5 वो भी डिसॉल्व हो गया, That is also concentration. Clear? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday तक मैंने जो भी 1 मोल ऐड किया वो डिसॉल्व होता रहता है। 5 मोलारिटी के बाद ये जो सॉल्यूशन है that becomes saturated. Okay? अब मैं जब 1 मोल डिसॉल्व करने जा रहा हूं, 1 मोल, तो वो जो 1 मोल मैंने डिसॉल्व किया वो डिसॉल्व हुआ। इट मीन्स 5 मोलारिटी के बाद ऐसा हम बोल सकते हैं कि NaCl डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो 5 मोलारिटी है दैट इज नोन एज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, क्योंकि उसके बाद डिसॉल्व नहीं हुआ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सॉल्युबिलिटी मींस व्हाट, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट डिसॉल्विंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो 5 मोलारिटी है दैट इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन एंड विच इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ए जो है 1 to 4 मोलारिटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओनली कंसेंट्रेशन, नॉट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। 5 मोलारिटी दैट इज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, क्योंकि उसके बाद डिसॉल्व नहीं होता ना, सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट है वो भी मोलारिटी है और कंसेंट्रेशन का यूनिट भी मोलारिटी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी दैट इज अ मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, ये वर्ड भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्लियर। ओके, अब मैं सब्सटेंस जो होते हैं उसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, एक्चुअली 1 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास 3 कैटेगरी के सब्सटेंस होते हैं। ओके, 1 दैट इज सॉल्युबल,
soluble substance. Okay. Second, that is less soluble substance, and the third category, that is sparingly soluble substance. We are interested in this one. Okay. Soluble substance का मीनिंग होता है इफ सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलारिटी, मतलब किसी भी सब्सटेंस को आप पानी में डालते हो और पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25, तो 25 डिग्री पे उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज्यादा है, ऐसा डेटा हमने कलेक्ट किया तो पता चला गया 0.1 से ज्यादा, ये सब देखो 0.1 से ज्यादा ये 5 मोलारिटी, तो जो NaCl है दैट इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस, यू कैन क्लासिफाई सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ऐसे प्रैक्टिकल करते जाओ तो डेटा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 0.1 मोलारिटी से ज्यादा सॉल्युबिलिटी है ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल को पहले लिख रहा हूं मैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से भी कम है, 0.01 मोलारिटी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन से भी कम है, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, और लेस सॉल्युबल मतलब सॉल्युबिलिटी बिटवीन 0.01 से ज्यादा और 0.1 से कम, एंड सच टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज अ लेस सॉल्युबल। ओके, नाउ इन दिस टॉपिक वी आर इंटरेस्टेड इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हमें इस पे फोकस करना है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो इस बेस पे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो वन बाय वन हम पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे। ओके, उसमें भी हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वहां पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे वाटर का कांस्टेंट क्या है, KW, वीक एसिड का KA, वीक बेस का KB, सिमिलरली यहां पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज नोन एज KSP, और KSP को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास AgCl होता है, दूसरा एग्जांपल है CaF2, बहुत सारे एग्जांपल है, और हर एक का KSP फिक्स होता है, जितने भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका KSP फिक्स होता है, लाइक KA एंड KB। आगे मैंने आपको बताया था हमारे पास जितने भी वीक एसिड होते हैं ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड अर्विक, तो सबका KA फिक्स होता है, एंड दैट इज गिवन इन टेबल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सिमिलरली वीक बेस, जितने भी वीक बेस है सबका KB भी फिक्स होता है, वो भी टेबल के अंदर है। सिमिलरली ऑल टाइप ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ KSP, वो भी फिक्स है, और वो प्रैक्टिकल से डिसाइड किया है, फाइंड किया है एनालिसिस करने के बाद। ओके, तो KSP और सॉल्युबिलिटी दोनों का रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो दो तीन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के लिए, KSP और S का ही टॉपिक होगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और JEE और NEET में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये हमारा जो पार्ट 3 है ना उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीक एसिड और वीक बेस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके बारे में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, डिराइव रिलेशन बिटवीन KSP and S for following sparingly soluble salt। okay, तो one by one हम example ले रहे हैं, सबसे पहले AgCl, first one AgCl that is silver chloride, that is in solid form, made up of Ag plus and Cl minus, like NaCl.
Now, proportion between positive ion and negative ion, that is 1:1. 1:1, that is a type of salt. Type of salt means proportion between cation and anion. Positive ion को cation बोलते हैं और negative ion को anion बोलते हैं. Okay? तो ये जो salt है, वो 1:1 base पे work करेगा. Now, if you dissolve AgCl in water, so dissociation will take place. Ag plus n, Cl minus. Again, these two are combined and convert into AgCl solid. क्योंकि उसकी solubility बहुत कम है. AgCl ऐसा ही आपको मिलेगा, जैसे पानी में सैंड डालते हो और सैंड क्या होती है, डिपॉजिट होती है, वैसे AgCl आपको PPT फॉर्म में मिलेगा. रीजन कुछ भी नहीं है, इसके सॉलिबिलिटी बहुत कम है, मतलब डिसॉल्व बहुत कम होता है, लेस देन 0.1. इज इट क्लियर? ओके, फिर भी थोड़ा तो होता है ना. हाँ, तो हम इक्वेशन तो लिख सकते हैं ऐसे. नाउ आवर मेथड प्रोपोर्शन 1:1:1. क्लियर? नाउ टेबल. तो फर्स्ट यहां पर क्या लिखते हैं, इनिशियल. अब हमारे पास AgCl का सपोज इनिशियल डेटा नहीं है. Ag प्लस 0, Cl माइनस 0. क्लियर? नाउ फाइनल. फाइनल मीन्स विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम. और यू कैन राइट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो भी हम लिख सकते हैं. तो वो कंडीशन पे हमें पता चला कि AgCl है, उसका कितना पार्ट सॉल्युबल हुआ? ओनली S. जैसे पार्ट टू में हम क्या लिखते थे, एक्स मोलारिटी लिखते थे, कंसेंट्रेशन था. यहां पे हमें कंसेंट्रेशन ही लिखना है, लेकिन मैक्सिमम कंसेंट्रेशन लिखना है. और मैक्सिमम कंसेंट्रेशन का सिंबल होता है सॉल्युबिलिटी, दैट इज एस. इसीलिए मैंने एस लिखा हुआ है. बस समझ आ रही है? पार्ट टू में हम एक्स को भेजते थे. यहां पर किसको भेजेंगे? एस. मतलब इतना एस डिसॉल्व हुआ. अब सामने कितना एजी प्लस मिलेगा, सामने कितना सीएल माइनस मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शन. सी 1:1:1, तो ये कितना मिलेगा आपको? एस. और ये भी एस, और ये फिर से डेस, क्योंकि एस की वैल्यू बहुत कम होगी. तो यहां से जो भी कुछ वैल्यू उसमें थोड़ा एस जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए डेटा का कोई रोल नहीं है, मतलब एक्चुअली वैल्यू कांस्टेंट होती है. क्लियर? नाउ एट इक्विलिब्रियम वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यहां पर हम क्या लिखेंगे? Ag प्लस Cl माइनस अपॉन AgCl सॉलिड. नाउ सी कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड, दैट इज कांस्टेंट. यहां जितना था उतना ही यहां पे है, क्योंकि S को निगलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, S की वैल्यू बहुत कम है, तो उसको निगलेक्ट कर दो. तो ये पार्ट कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर K into AgCl solid is equal to, now what about Ag plus at equilibrium, that is S. What about Cl minus, that is also S. So S into S. Now constant into constant, that is new constant, and this new constant is known as KSP. So KSP is equal to S square. So this is a relation between KSP and S for AgCl. Or you can say 1:1 type salt. The 1:1 type ke jitne bhi salt ho gaye, sabke liye a relation common hoga. Now in MCQ, either KSP or S, either KSP or S is given. So you can find out remaining one. Clear? KSP to fix hi hota hai. To KSP aapko diya hai, to uska root lena padega. रूट निकाला मतलब किसकी वैल्यू आ गई? S. S मतलब AgCl की क्या आ गई? सॉल्युबिलिटी. कितना AgCl सॉल्युबल हुआ वो आपको पता चल जाएगा. और एक बार AgCl का S आपके पास आ गया, मतलब कितना AgCl वहां पे गया, उस हिसाब से आपके पास Ag प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा, दैट इज S. और Cl माइनस का भी है. जैसे हमें वो पार्ट टू में X की वैल्यू पता चलती थी, X, तो बाद में हम फाइनल वैल्यू भी फाइंड कर देते थे. यहां पे Ag प्लस और Cl माइनस का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन फाइंड करना है, तो AgCl कितना सॉल्युबल हुआ वो आपको पता होना चाहिए, और वो यहां से मिल जाएगा. क्लियर? अनदर एग्जांपल. नाउ सी अनदर एग्जांपल, दैट इज CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज आल्सो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट
a type of salt that is 1:2. A 1:2 type का salt है. So again CaF2 dissolving water. So CaF2 convert into Ca2+ and F- twice. Same proportion. 1:2 a solid egg. 1:2, 1:2. Now initial. मेथड हमारी वही रहेगी इनिशियल. यहां पे पता नहीं हमें ये दोनों क्या होंगे. 0, 0. क्लियर. नाउ फाइनल. जब फाइनल आप लिखते हो तो यहां से कितना प्रोडक्ट में गया वो पता होना चाहिए. दैट इज एस. तो यहां से एस निकला तो सामने सी द प्रोपोर्शन 1:2, 1:2. तो ये आपके लिए एस होगा और ये आपके लिए 2s होगा. और यहां पे फिर से डैश. ओके अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं KSP क्योंकि ये तो सॉलिड नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में. तो कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. दैट इज KSP. यहां पे गलती मत करना. फॉर्मूला डायरेक्ट मत लिखना. पहले CF2 F माइनस का स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके और यहां जो नीचे CF2 था वो तो इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया. नाउ व्हाट अबाउट Ca2+ दैट इज S. व्हाट अबाउट F- दैट इज 2s2. यस ये गलती नहीं होनी चाहिए. एंड देयरफॉर फाइनली वी हैव 4s3. तो ये रिलेशन हो गया. KSP is equal to 4s3 for which type of salt that is 1:2. अब मान लो कि कैल्शियम फ्लोराइड का KSP आपको पता है. तो KSP आपको पता है मतलब डिवाइड बाय 4 कर दो उसके बाद क्यूबिक रूट ले लो तो आपको S मिलेगा. S जो है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. कितना कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्युबल हुआ वो डेटा मिलेगा. और S आपके पास आ गया उसके बाद आप क्या करोगे ये दोनों जो आयन है उसका मैक्सिमम कंसेंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हो एट सैचुरेटेड कंडीशन. तो एक बार आपको S मिल गया तो Ca2+ फाइंड करना है तो S और F- फाइंड करना है तो 2S. तो S को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई. दैट इज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ F-. क्लियर. तो ऐसे हम न्यूमेरिकल या तो MCQ में आगे बढ़ेंगे. तो इसका एक फोटो ले लो. उसके बाद एक और टाइप मैं आपको बता रहा हूं. चलो हमारे पास एक थर्ड सॉल्ट में ले रहा हूं जनरल फॉर्म में A2B3 टाइप का एक सॉल्ट है. सपोज 2:3. इसमें टाइप ऑफ सॉल्ट क्या हो गया 2:3. नाउ इफ यू डिसॉल्व A2B3 दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर. सो वी हैव A+ दैट इज 2 एंड B दैट इज माइनस एंड दैट इज 3. ओके तो इस बेस पे डिसोसिएशन होगा. सो 1:2, 2:3, 1:2, 2:3. ऐसा एक सिंपल एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूं. चलो यहां पे इनिशियल. एक्चुअली ये चार्ज देखो सेम नहीं हो रहा है. तो एक्चुअली चार्ज को सेम करना है तो यहां पे एक्चुअली ये +3 होगा. तो ये हो जाएगा हमारा +6 और ये होगा एक्चुअली -2. ऐसे बनेगा A+3 और B-2 तभी ये चार्ज हमारा सेम रहेगा. एक्चुअली डिसोसिएशन ऐसे होगा 1:2, 2:3. क्लियर. चलो इनिशियल यहां पे डैश. ये दोनों 0, 0, 0, 0. ओके चलो बाद में आगे बढ़ते हो. फाइनल. फाइनल में क्या होगा यहां पे डैश. यहां से कितना पार्ट गया सपोज S तो सामने ये कितना मिलेगा आपको 2s और ये कितना मिलेगा आपको 3s मिलेगा. तो 2s और 3s में डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद हम डायरेक्ट KSP लिखते हैं. सो KSP इज इक्वल टू A+3 का क्या होगा स्क्वायर होगा और यहां पे B-2 का क्यू होगा. तो A+3 कितना है 2s तो 2s का स्क्वायर होगा. ये कितना है 3s तो 3s का क्यूब होगा और आंसर आएगा 108s⁵5 एंड दैट इज KSP. हो गया 108s⁵5. तो इस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं. तो ऐसे जनरल मैंने लिखा हुआ है. यहां पे कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं. ये तो मैंने ऐसे सेट किया है लेकिन कभी कभी स्टूडेंट से गलती हो जाती है. कोई बात नहीं आपको 2:3 के बेस पे रिलेशन ही आएगा.
तो ए रियल में, क्योंकि ये 3 2 क्या होगा प्लस 6 और ए -6 होगा, बिकॉज दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए थोड़ा करेक्शन आपको करना है, ये माइंड में थोड़ा सेट करके रखना। चलो अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट, और शॉर्टकट क्या है वो भी देख लो। मतलब A2B3 में आपको KSP दिया है सपोज, तो आप S फाइंड कर सकते हो कि नहीं। वंस यू हैव वैल्यू ऑफ S देन यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ A+3 एज वेल एज B-2। S आपको मिल गया, इसके बाद A+3 का मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होता है, दैट इज 2S। तो S की जो वैल्यू आई उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ A+3। और मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बी -2 फाइंड करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर? तो MCQ में हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा। अभी मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं, वो भी देखो। यहां पे होगा सॉल्ट, यहां पे टाइप, और यहां पे रिलेशन, यहां पे लिख रहा हूं मैं रिलेशन। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वन दैट इज AB। AB कौन से टाइप का हुआ, 1:1। ओके, 1:1 में डायरेक्ट शॉर्टकट विदाउट मेकिंग टेबल इनिशियल फाइनल डायरेक्ट लिख सकते KS को इज इक्वल टू, दोनों 1:1 है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 मतलब S पावर भी 1, यहां भी S पावर भी 1, रिलेशन हो जाएगा S2। मतलब 1:1 है तो KS को इज इक्वल टू S2 होगा। सेकंड, A2B का टाइप कौन सा होगा, 2:1। A2B दैट इज 2:1, तो यहां पर रिलेशन डायरेक्ट होगा KSP इज इक्वल टू 2:1, मतलब 2 मतलब 2S का स्क्वायर करना है, 2:1 2S का स्क्वायर कर दो, और 1 मतलब 1S मतलब S दैट इज 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4S³ दैट इज KSP। ओके, थर्ड मान लो कि हमारे पास AB3 है, AB3 है, इसका मीनिंग हुआ 1:3 है। 1:3 में क्या होगा, KSP इज इक्वल टू S⁻¹। और 3 मतलब क्या लिखोगे, 3 मतलब 3S⁻³, ऐसे ही आएगा। तो फाइनली रिलेशन आएगा KSP इज इक्वल टू 27S⁻²। और अभी जो हमने पढ़ा वो A2B3 जो आपके सामने ही है, A2B3 का टाइप क्या है, 2:3, एंड 2:3 मीन्स वॉट, KSP इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर और यहाँ पे 3S का क्यूब, एंड दैट इज 108S⁵, एंड दैट इज KSP। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है KSP और S, लेकिन S क्या है वो पहले क्लियर होना चाहिए, दैट इज सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैक्सिमम कंसेंट्रेशन को अज्यूम करना है S, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन वी हैव टू मेंशन लाइक दिस, एंड फाइनली डिराइव सच टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन KSP एंड S। इफ यू हैव वैल्यू ऑफ S देन यू कैन फाइंड आउट KSP, इफ यू हैव वैल्यू ऑफ KSP देन यू कैन फाइंड आउट S। नाउ सी इन न्यूमेरिकल, कीप इट इन माइंड, KSP ऑलवेज इन कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स वॉट, मोल पर लीटर। मतलब KSP की जो वैल्यू आएगी उसका जो यूनिट आएगा वो मोल पर लीटर के फॉर्म में आएगा, उसका स्क्वायर भी हो सकता है क्यूब, लेकिन मोलारिटी के फॉर्म में होगा KSP, ये क्लियर होना चाहिए। वाइल S सॉल्युबिलिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू होगी उसमें दो ऑप्शन आते हैं, मोल पर लीटर भी हो सकता है और ग्राम पर लीटर भी हो सकता है। ओके, स्ट्रेंथ। अब मान लो कि जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो और आपको KSP फाइंड करना है, अब KSP का जो आंसर होता है वो तो मोल पर लीटर में आएगा, और इन लोगों ने आपको जो S दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राम पर लीटर दिया है इसको, जो सॉल्ट है उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास मतलब ग्राम पर मोल, उससे डिवाइड कर देंगे। तो
कन्वर्जन हो गया कि नहीं मोल पर लीटर। क्लियर? मतलब ये थोड़ा याद रखना है आपको न्यूमेरिकल में, पर्टिकुलर या तो एमसीक्यू में। सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, दैट इज गिवन एस, और आपको केएस भी फाइंड करना है। तो रिलेशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एस की जो वैल्यू है ग्राम पर लीटर में उसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मोल पर लीटर। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, सपोज केएसपी दिया है, तो केएसपी किस यूनिट पे दिया होगा? मोल पर लीटर में, और आपको एस फाइंड करना है, और वो भी ग्राम पर लीटर में, तो आप क्या करोगे? तो पहले फॉर्मूला यूज करो। तो केएसपी मोल पर लीटर में है सपोज, तो एस का आंसर किसमें आएगा? मोल पर लीटर में आएगा। क्लियर? ओके, तो एस मोल पर लीटर में आए, अब उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन न्यूमेरिकल या तो एमसीक्यू में गलती हो सकती है। ओके, तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जी और नीट में यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद ये जो चैप्टर है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा रिगार्डिंग थ्योरी पार्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।